ये हेलमेट एक परफेक्ट हेलमेट है मोटो व्लॉग के लिए या नहीं है, तो भाई एज पर पर्सनल ओपिनियन मोटो व्लॉग करने के लिए यहाँ पर जो है माउंट के लिए मुझे तो जगह नहीं दिखी। तो ये है इसका स्ट्रैप और लुक देखो यार, क्या खतरनाक लुक आ रही है। कैमरा भी दिख रहा है मेरे को, विजन भी दिख रहा है सारा, और ये चीज बढ़िया लग रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट करा था कब से कि भाई इसके ऊपर जो है मोटो व्लॉग सेटअप करके दिखाओ और इसके ऊपर जो है मोटो व्लॉग करके दिखाओ एंड हमें दिखाओ भाई कि क्या क्वालिटी वगैरह आती है। तो भाई ये वीडियो आज हम बनाने वाले हैं, इसके ऊपर माउंट वगैरह करके देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप जानते हो ये 3000 की रेंज में जो है काफ़ी अच्छा हेलमेट है, इसके साथ आपको सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं और इसका जो राइड रिव्यू है वो भी हमने करा था। तो बहुत सारे भाई क्वेश्चन पूछे थे कि भाई इसके ऊपर जो है माउंट वगैरह हो जाएगा, सब कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ये सब, तो भाई सारी चीज़ों के बारे में आंसर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। एंड मैं खुद भी मोटो व्लॉग करता हूँ दोस्तों, तो थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी, तो वो भी थोड़ा सा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई क्या चीज़ जो है बेटर हो जाएगी और क्या चीज़ें थोड़ी सी मतलब आपको देखनी चाहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों मोटो व्लॉग के लिए सबसे ज़रूरी चाहिए एक बाइक, तो बाइक आपके पास होगी, गाड़ी जो भी है ठीक है, और उसके साथ आपको चाहिए एक हेलमेट ठीक है, हेलमेट हेलमेट के साथ आपको चाहिए एक माउंट। अब ये मेरे पास स्ट्रैप वाला माउंट है जो कि किसी भी हेलमेट में लग जाता है ठीक है। आप चाहें तो ब्लू आर्मर का जो स्टिक करने वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा माउंट है। वो मैंने अपने एग्जॉर के हेलमेट पे लगा रखा है जो कि मेरा मेन हेलमेट है जिससे मैं मोटो व्लॉग करता हूँ। और ये दोस्तों मैं टेम्प्रेरी बेसिस पे यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार हर हेलमेट में दिखाना होता है, और ये दोस्तों उन लोगों के लिए बढ़िया है जो बदल बदल के हेलमेट से मोटो व्लॉग करते हैं, आराम से जो है फिट हो जाता है। तो पीछे जो है रबर पैडिंग है तो यार जो है ना क्या नाम है स्क्रैच भी नहीं छोड़ता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो आप बदल बदल के करते हो, टेस्ट रिव्यूज वगैरह करते हो, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों लिंक जो है सबके ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो आपको चाहिए हेलमेट, आपको चाहिए एक माउंट जो कि यहाँ पर लग जाएगा, उसी के साथ साथ दोस्तों आपको चाहिए एक एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा कोई सा भी हो सकता है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई आप GoPro या फिर कोई अच्छा कैमरा यूज़ करो, क्योंकि दोस्तों जब आप बना रहे हो ना मतलब बढ़िया है तो वो छोटे मोटे कैमरे मत लो, उससे बढ़िया अपना फ़ोन से सेटअप करके चलाओ वो बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो GoPro ही परचेज करो, क्योंकि GoPro की क्वालिटी इज़ नेक्स्ट लेवल भाई साहब ठीक है। तो हमारे पास हो गया स्ट्रैप, हमारे पास हो गया हेलमेट, हमारे पास हो गया GoPro, उसके बाद हमारे को चाहिए होता है ये जे माउंट ठीक है। जे माउंट जो है आपके माउंट के ऊपर स्टिक होता है और GoPro से अटैच होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो चाहिए हमारे को एक माइक ठीक है, एक लेवियर माइक जो कि आराम से अवेलेबल हो जाता है। एंड अगेन दोस्तों इन सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में है, सो भाई वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों आप बात करते हैं ये हेलमेट एक परफेक्ट हेलमेट है मोटो व्लॉग के लिए या नहीं है, तो भाई एज पर पर्सनल ओपिनियन मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसका राइड रिव्यू करा था ठीक है, और आपको पता ही इसके अंदर कितना नॉइस आ रहा था। और मोटो व्लॉग करते टाइम आप चाहते हैं कि जो साउंड क्वालिटी है ना वो भाई होनी चाहिए, क्योंकि साउंड क्वालिटी मैं कहता हूँ मतलब 70% ऑफ योर वीडियो होती है। आप एक बार ख़राब विजुअल दिखाओगे ऑडियो से इंसान समझ लेगा, लेकिन ऑडियो जो है अच्छी आनी चाहिए ठीक है। तो भाई एक चीज़ वो हो गई, तो इसके अंदर जो है नॉइस काफ़ी आता है बाइक चलाते टाइम 60 की स्पीड पर भी ठीक है, और ऐसी वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी है, इसके साथ आपको चिन कर्टन दिख जाता है। लेकिन एक और से ख़राब चीज़ ये है कि भाई मोटो व्लॉग करने के लिए यहाँ पर जो है माउंट के लिए मुझे तो जगह नहीं दिखी ठीक है। यहाँ पर अब आप देखोगे कोई भी थोड़ा सा भी फ्लैट एरिया नहीं है जहाँ पर मैं है जो है अपना स्टिक करने वाला जो ब्लू आर्मर का माउंट आता है वो लगा दूँ या फिर कोई और माउंट लगा दूँ ठीक है। अगर मैं वेंट के ऊपर भी लगाता हूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ से ना प्लेन नहीं है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो इतनी मजबूती के साथ जो है चिपक पाएगा ठीक है। तो वो वाला माउंट नहीं लग पाएगा इस पर, इस पर जो है ये वाला जो माउंट है स्ट्रैप वाला ये लग जाएगा। तो अगर आपका मन वो वाला लगाने का तो उसके हिसाब से ये नहीं है, बट ऐसे अगर आप लगाना चाहते हो तो ये लग जाएगा। तो सबसे पहले लगाते हैं दोस्तों अपना माउंट ठीक है, बहुत ही सिंपल है ऐसे करना है। इसके साथ स्ट्रैप आती है तो इसको मैं एक बार लगा देता हूँ। ओके सो अब दोस्तों मैंने ये लगा लिया, और इसकी बात अच्छी ये है कि भाई अपने हिसाब से जो है अच्छे से फिट कर सकते हो ठीक है। और ये वाला माउंट जो है इसके अंदर बढ़िया से फिट आ गया है, और अगर आप ओकेजनल मोटो व्लॉग करते हो ठीक है, आपको सिर्फ शूट करने का मन करता है कि भाई जब भी आप राइड पर जा रहे हो राइट और बहुत ओकेजनल करते हो, तो ये वाला जो है माउंट आप ले सकते हो, क्योंकि आप वो लगा के रखोगे थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप शूट करना ये लगा सकते हो और जब निकालना निकाल सकते हो। ये जो है क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। एक बार मैं उठा के भी दिखा देता हूँ उससे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों, और ये भी जो है काफ़ी सही है। अब उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए एक ये वाला माउंट ठीक है, सबका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इससे अटैच हो जाता है। तो ये करके ऐसे GoPro के साथ आता है बेसिकली, और आपके सभी एक्शन कैमरा अगर आप खरीदते हो तो उसके साथ आपको मिल जाएगा ठीक है, बाकी अमेज़ॉन पे अवेलेबल होता है। तो ये जो है ऐसे करके इसमें फिट हो जाता है, इसको आप खोलिए और
ऐसे करके जो है ये फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रैप और लुक देखो यार क्या खतरनाक लुक आ रही है। तो ये हमारा माउंट है, ये इसके ऊपर इसका माउंट लग गया। अब मुझे इसको खोल देना है। ठीक है, और खोल के अब जो है अपना जेब माउंट है इसको ऐसे लगा देना है ताकि मेरा गोप्रो माउंट हो सके। ठीक है, और ऐसे करके इसको जो है मुझे यहाँ से बंद कर देना। ये भी बहुत प्यार से हो जाता है और क्वालिटी वगैरह जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मस्त लग रहा है देखने में। तो ये भी हो गया हमारा बढ़िया। इसको हम बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे अभी क्योंकि हमें माउंट करना है और देखेंगे व्यू कैसे बढ़िया आ रहा है हमारे को। अब जो है दोस्तों अब इसके ऊपर मुझे अपना माउंट करना है गोप्रो, लेकिन गोप्रो से पहले मैं जो है माइक फिट करना चाहूँगा क्योंकि भाई माइक की प्लेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यार माइक जो है वो लगा लेते हैं। तो माइक मैं कोशिश करता हूँ कि जो है मेरे सामने ही रहे या फिर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत साइड होए ताकि जो साउंड है वो बढ़िया है। ठीक है, और इसमें काफ़ी जगह है दोस्तों और बढ़िया से ये लग जाएगा। ठीक है, तो माइक को भी मैं प्लेस कर देता हूँ। तो हमारा माइक लग गया दोस्तों और इस एक्स्ट्रा वायर को जो है हम पैडिंग के अंदर जो है ऐसे ही डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा माइक भी लग गया, उसके लिए मैंने तार छोड़ दिया ताकि हमारा गोप्रो में लग जाए। लग तो भाई बड़ा प्यारा रहा है इस लुक के साथ। तो सब कुछ हो गया दोस्तों, अब गोप्रो को भी जो है माउंट कर लेते हैं। ठीक है, अपने एक्शन कैमरा को जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी जो है बड़े आराम से माउंट हो जाएगा। बेसिकली दिक्कत ये आती है हेलमेट के साथ कि हेलमेट अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो, जैसे कि SBA 27 विंग्स के साथ मैंने जो मोटो ब्लॉग करा था वो करके दिखाया था, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी सबसे ज़्यादा कि भाई वो जो हेलमेट है गोप्रो लगाने के साथ ही उसके वजन को जो है सह नहीं पा रहा था और बार बार जो है आगे झुक रहा था। तो आई डोंट थिंक तो इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो हमारे जो है गोप्रो भी लग गया है और अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ खोल खोल के ताकि जो माइक है वो आराम से लगे रहे, और उसको बंद करके देख लेता हूँ। तो ये हो गया यहाँ से पूरा बंद, तो ये ऐसा सा टाइट हो रहा है। यहाँ पर मैं जो है टाइट कर दूँगा इसको बड़े ही आराम से। ठीक है, ओके। तो भाई ऐसा सा जो कुछ है हमारा मोटो ब्लॉक पूरा सेटअप हो गया है। अच्छी चीज़ ये है पूरा वाइजर जो है बड़े प्यार से जो है पूरा बंद हो जाता है, तो एयर वगैरह आने की कोई टेंशन नहीं है। और जो है ऐसा सा कुछ दोस्तों मोटो ब्लॉक जो है मेरा सेटअप पूरा लग रहा है देखने में। तो रेट माई सेटअप, और दोस्तों SBX 57 कुछ ऐसा लगता है मोटो ब्लॉक सेटअप के साथ गोप्रो के साथ लुक जो है भाई बहुत बढ़िया। मतलब एंड आई डोंट थिंक सो दोस्तों, अगर आप कहीं से निकलोगे तो लोगों की अटेंशन भाई जो है आपको बिल्कुल मिलेगी, बढ़िया देखने के लिए लग जाता है। एक बार मैं इसको पहन कर दिखाता हूँ, बताता हूँ फील क्या आ रहा है। तो एक बार इसको पहन कर भी देख लेते हैं दोस्तों कि भाई जो ये हेलमेट झुक रहा है फिट वगैरह सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओके यार ये ना एक चीज़ मुझे हेलमेट की बहुत बढ़िया लग रही है, पता नहीं वाइल्ड राइडिंग ये क्यों फील नहीं आता है। वाइल्ड राइडिंग पता नहीं ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों इतना अंदर स्किन नॉइज आता है। आई थिंक वो इसके वाइजर की वजह से होता है क्योंकि इसके वाइजर जो है ना काफ़ी थिन है। ठीक है, मतलब जो इसकी लेयरिंग काफ़ी थिन है, उसकी वजह से जो विंड नॉइज थर 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 करता है। जैसे कि मान लो अगर कोई आप लोहे की स्टील की चादर है बहुत पतली सी, उस पर जब एयर फ्लो होता है तो बहुत आवाज़ करती है, आई थिंक उसकी वजह से ही आवाज़ होता है। क्योंकि जब मैं इसको राइड कर रहा था सारे इवेंट्स बंद थे तो कोई सवाल ही नहीं होता कहीं से एयर जाने का, लेकिन आई थिंक वो इसके वाइजर की वजह से जो आवाज़ आती है। ठीक है, तो भाई ऐसे कुछ सेटअप हो गया है। मेरे को जो है कैमरा भी दिख रहा है, मेरे को विजन भी दिख रहा है सारा, और ये चीज़ बढ़िया लग रही है। तो मैं देख सकता हूँ कि रिकॉर्ड भी क्या हो रहा है और मैं देख सकता हूँ सामने भी क्या चल रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, एक बार साइड से दिखा देता हूँ कि ऐसा सा कुछ है। और दोस्तों लुक जो है कुछ प्यारी सी आ जाती है, एक बार इसको पूरा बंद कर लेते हैं तो ऐसी सी कुछ लुक आ जाती है बढ़िया सी, देख सकते हो। और दोस्तों क्या नाम है, फिटिंग काफ़ी अच्छी है तो मुझे नहीं लगता ये नीचे जाएगा। ठीक है, नहीं जा रहा नीचे वैसे तो, बाकी अगर आपका हेलमेट ढीला है तो ऑफकॉल जाएगा, लेकिन ये जो है नीचे नहीं जा रहा है। अब चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे मोटो ब्लॉक करके हाई स्पीड पर लो स्पीड पे, ताकि आपको जो है एक ट्रू एक्सपीरियंस मिल सके। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम जैसे न्यू क्रिएटर जो हैं ग्रो करते रहें। और हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।